देखिए दोस्तों कितना सुंदर घर है इनका। घर यहाँ पे इसी तरीके से बना हुआ था बंगले टाइप में, और सड़कें हर घर के पास से सड़कें निकली होती है, यानी कि आने जाने के लिए भी सारी सुविधाएं रहती है। हर घर के पास से आपको सड़क मिलेगी, एकदम खुला खुला सा घर रहता है इनका यहाँ पे। ये स्कूल है दोस्तों, देखो कितना सुंदर बना हुआ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ की सड़कें देखिए कितनी चौड़ी और कितनी साफ़ है, एकदम नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे सड़कें ऐसे आपको हर जगह ही लगभग इतनी ही चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ सऊदी में जगह की कमी नहीं है। और सड़क के किनारे देखिए टच में गार्डन, कितना अच्छा गार्डन सब बनाया रहता है। आजकल सऊदी काफ़ी ध्यान दिया हुआ है हरियाली पर, आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा। ये देखिए दोस्तों ये भी गार्डन है और कितने बड़े एरिया में है आप देख सकते हैं। मैं भी बिल्डिंग पूरा गार्डन का शूट कर रहा हूँ, और आप गाड़ी की स्पीड भी देखिए कितने स्पीड में गाड़ी चल रही है, फिर भी ये गार्डन आप देखिए कब तक है, बहुत बड़ा गार्डन है। तो ये सब चीज़ें सऊदी में काफ़ी परिवर्तन ला रही है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। एग्रीकल्चर के तरफ सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया हुआ है। देखिए आप अभी मैं शूट कर रहा हूँ, पूरा स्पीड भी देखिए गाड़ी की, और गार्डन देखिए कितना बड़ा गार्डन है पूरा, बहुत बड़े एरिया में है। तो ये हम अभी सिटी से बाहर जा रहे हैं सनैया की तरफ, जिसके मैंने बताया था इंडस्ट्री एरिया होती है, थोड़ी आउटसाइड में होती है सिटी से बाहर। तो हम अभी सिटी से बाहर निकल रहे हैं। तो ये गार्डन आपको देखिए कितना बड़ा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों ये बैटरी है जिसमें हमें एसी डलवाना है, तो हम जा रहे हैं। अब देखिए हम अब सिटी से बाहर आ चुके हैं, तो आपने पहले मैंने दिखाया था गार्डन, अब देखिए सिटी के इस तरीके से धीरे धीरे। अब ये आप इस तरह की ज़मीन भी देख सकते हैं, इसी तरीके का ज़मीन आपको पूरे सऊदी में लगभग देखने मिलेगा। जिस तरीके से ये पूरा बालुई है, एकदम बालू मिट्टी है, पूरी एकदम रेतीली मिट्टी है। तो इसी तरीके से सऊदी पहले था, अब धीरे धीरे देखिए वो हरियाली काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, तो हरियाली भी बना रहा है, गार्डन है, पेड़ पौधे काफ़ी लगा रहे। तो हम पहुंच चुके हैं सनैया, ये देखिए ये है ब्रिज, ब्रिज के उस तरफ से पूरा इंडस्ट्री एरिया शुरू हो जाता है। तो ये है इंडस्ट्री एरिया में हम इंटर कर चुके हैं, तो आपको चलिए मैं अंदर का भी व्यू दिखाऊँगा। तो अभी हम जाते हैं पहले बैटरी की दुकान पे, फिर बैटरी का काम करने के बाद में मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ। अभी आए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी मैक्सिमम दुकान भी नहीं खुली है ज़्यादा, तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, जब तक पाजी दुकान वाले से बात कर रहे हैं बैटरी के बारे में, तब तक मैं आपको ये व्यूज़ थोड़ा दिखा देता हूँ। ये रोड पूरा काफ़ी बड़ा एरिया में है, ये हमारी गाड़ी देखिए खड़ी है, और ये है बैटरी की दुकान जहाँ हमें बैटरी लेके आए हैं, अपना बैटरी के अंदर एसी डालने का है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े दुकान है बैटरी की, और इसमें से हमें अपना बैटरी में एसी डलवाना है। तो ये सिग्नल था जहाँ से हम इंटर हुए थे अंदर, और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो दोस्तों हमारी बैटरी के अंदर एसिड पड़ चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी एसिड गिर भी गई है, और ये है एसिड जो बैटरी के अंदर पड़ा है। तो अब हमारा काम तो हो चुका है पूरा कंप्लीट, अब हम यहाँ से अब निकल रहे हैं सनैया से। तो जाते समय आपको मैं व्यू दिखाते चलता हूँ। देखिए यहाँ की दुकानें मैक्सिमम आपको शटर बंद भी दिख रहा होगा, तो सुबह का टाइम है तो उतनी दुकानें खुली नहीं हैं, तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ की दुकानें कैसी है, इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है। ये लगभग आपको हर सऊदी सिटीज़ के बाहर आपको देखने मिलेगा इस तरीके की दुकान, हर सिटी के बाहर। उसको यहाँ सऊदी में सनैया ही बोलते हैं। आप अगर सऊदी में आएंगे कभी, अगर कुछ पार्ट्स वोट्स या गाड़ी का सामान चाहिए रहेगा या कुछ ऐसा भी सामान चाहिए रहेगा तो आप पूछेंगे सनैया कहाँ है, तो लगभग हर सिटी के बाहर वो सनैया आपको मिल जाएगा सऊदी के अंदर। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री एरिया होती है उसे सनैया नाम से बुलाते हैं। तो अब हम सनैया से बाहर जा रहे हैं और वापस सिटी के अंदर। तो अभी जा रहे हैं हम, रास्ते का भी व्यू आपको दिखाते चलता हूं मैं, कुछ रहेगा तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या है ये। ये देखिए पूरा सनैया इंडस्ट्री एरिया है। ये देखिए दूर दोस्तों आपको कुछ टेंट टाइप नज़र आ रहा होगा जिसे यहाँ सऊदी में खेमा बोलते हैं। ये टेंट जैसा ही होता है, कपड़े का बना होता है और ये लगभग ऐसे जो वीरान एरिया है, जो खाली एरिया है, लगभग ऐसे एरिया में ये जो बकरी चराने का काम में आते हैं सऊदी में, उनको ऐसा ही घर मिलता है अलग थोड़ा बाहर आउटसाइड में, तो उसी में अपना वो रहते हैं और बकरी भी चराते हैं, उसी में घूमते फिरते भी हैं। तो ये इसी तरीके का उन्हें मिलता है रहने के लिए लगभग मैक्सिमम। अब भी तो काफ़ी चेंजेस हो गया है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने साइट पे, अब आ गए हैं अपने साइट पे इंडस्ट्री एरिया से अपने सिटी में। तो दोस्तों इसमें हमने बैटरी लगा दी है और अब मुदीर इसको चला कर टेस्टिंग कर रहा है। तो इसमें अब लगा, ये गाड़ी जो है वो घास काटने वाली गाड़ी है, तो इसी की बैटरी के लिए हम गए थे सनैया, तो अब वो ला के लगा दिया है। अब मुदीर इसका टेस्ट ड्राइव कर रहा है। तो दोस्तों देखिए ये घास काट रही है मशीन, तो घास काटते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उसके पीछे किस तरीके से घाट पर सेट किया और ये प्लेट है उसका जो घास को काट रहा है, अंदर नीचे प्लेट लगी होती है। तो आप इसके पीछे साइड में भी देख सकते हैं कि जो घास कट रही है, देखिए एक पट्टा जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये पूरे घास से लाइन से एक साइज में कट जाती है। तो ये गार्डन को घास मेंटेन रखने के लिए गाड़ी है जो गार्डन की घास काटती है और फिर इसे घास मेंटेन रखती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको सऊदी में कुछ जो चीज़ें हैं उसके बारे में दिखाऊं बताऊं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।